लोग खुद देख सकते हो। मतलब मैं ऐसा था यार, अब मेरी बॉडी जरा भी ग्लो नहीं करती थी, मेरी स्किन जरा भी ग्लो नहीं करती थी। ये लग रहा है ये है फेयर एंड हैंडसम ये न्यू बॉक्स में। यार पहले तो ऐसा नहीं था फेयर एंड हैंडसम। थोड़ा सा ट्राई करता हूं मैं। वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। मैंने फेस का कलर तो चेंज कर लिया, बट पूरी बॉडी का कलर किसे चेंज किया, बहुत सारे लोगों के यही क्वेश्चन है यार। तो इस व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगा कि यार मैंने अपनी बॉडी का कलर किसे चेंज किया। तो आप लोगों ने शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो वॉच करनी है। अगर चैनल पर न्यू हो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। सबसे पहले मैं जाके मेरी क्रीम व्रीम खत्म हो गई है वो लाता हूँ, मेरी जैकेट सर्दियों की दुश्मन। हाँ जैकेट मेरी। सबसे पहले मैंने जाके अभी फेस क्रीम ढूंढनी है। फेस क्रीम पता नहीं अब कहाँ पर मिलेगी, बहुत मुश्किल से मिलेगी। लास्ट टाइम आज से 3 महीने पहले मैंने फेस क्रीम ली थी, बहुत सारी ली थी, और मैं आप लोग को बताऊंगा क्या मैंने कौन सी क्रीम ली थी। अभी बिल्कुल खत्म हो गया। जब भी बाहर जाओ फेस पे कुछ लगा के जाओ, लाइक कोई क्रीम हो, सन ब्लॉक हो, बट यार मैंने सन ब्लॉक कभी भी यूज नहीं किया, मैं जस्ट फेस क्रीम यूज करता हूँ। मैं दिखाता हूँ कौन सी क्रीम यूज करता हूँ, और साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि मैंने बॉडी का कलर कैसे चेंज किया। तो चलिए सबसे पहले क्या फेस क्रीम लेते। A few moments later. पहुंच गया, अभी देखते हैं यार इधर ढूंढते हैं यार के फेस क्रीम कहाँ पर है। यार एक एक फोन्स का फेस वॉश भी हो गया, क्रीम किधर है यार, क्रीम नजर नहीं आ रही। A few moments later. मेरा ये सीरम्स वगैरह भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बट मैं यूज नहीं करता। ये फेस क्रीम कहाँ पर है, नजर नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा है। ये है फेयर एंड हैंडसम ये न्यू बॉक्स में। यार पहले तो ऐसा नहीं था फेयर एंड हैंडसम। हाँ अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसी हो गई है, शायद ये न्यू पैकिंग है। एक दो दो ले लेता हूँ, दो काफी है, ये गिर गए। पैकिंग वगैरह तो मुझे समझ में नहीं है, शायद मुझे लग रहा है इसकी पैकिंग चेंज हो गई है। मैंने आज से 3 मंथ पहले जो ली थी ना, तो उसकी पैकिंग कुछ और थी और अब कुछ और है। अब देखते हैं क्या होता है। मुझे मैं घर जाके ट्राई करूँगा कि यार कैसी पैकिंग है और क्या सीन है। मैं घर पर जाके ट्राई करूँगा और देखूँगा, ऐसा ना हो यार वो कुछ और ये कुछ और हो, क्योंकि इसमें कुछ स्किन पर भी इफेक्ट पड़ सकता। A few moments later. तो फाइनली मैं आ गया, सेम वही वाली फेयर एंड हैंडसम क्रीम है कि नहीं। तो यार सबसे पहले मैं इसकी खुशबू चेक करता हूँ। हाँ खुशबू तो वही है, अब इसको ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा ट्राई करता हूँ मैं। यार मुझे क्यों ऑयली ऑयली लग रही है, ये जो है ना यहाँ पर तो ऑयल कंट्रोल लिखा हुआ है और यहाँ पर ऑयली ऑयली। चलो अब कुछ टाइम ये ट्राई कर लेता हूँ, शायद ये वही है, इसकी पैकिंग चेंज हो गई है। वही फेयर एंड हैंडसम लिखा हुआ है, फेयर एंड हैंडसम लिखा हुआ है। यार सबसे पहली चीज जो है यार, मैंने अपनी बॉडी का कलर इस चीज से भी चेंज किया। पानी ज्यादा पियो, दिन में 4 से 5 लीटर लाजमी पियो यार। A few moments later. यार सबसे पहली चीज मैंने आप लोगों को बताई है यार, पानी सबसे पहली चीज जो है ना, आप लोग दिन में जितना हो सके 3 से 4 लीटर लाजमी पानी पिया करो, क्योंकि पानी से हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है, ग्लो करती है, और जब ग्लो करती है तो वो खुद ब खुद ही हम लोग फिर मतलब गोरे नजर आते हैं यार। तो आप लोगों ने पानी जितना हो सके आप लोग पियो, दिन में 3 से 4 लीटर लाजमी पिया करो। दूसरी चीज वो है दूध, तो एक ग्लास दूध लो और सुबह के टाइम आप लोग बगैर नाश्ता किए एक ग्लास दूध लो, उसमें ना 1 चम्मच हनी डालो, 1 चम्मच सिर्फ 1 चम्मच हनी डालो, रोज पिया करो। और ये भी हमारी स्किन को मतलब वाइट करने में ज्यादा हेल्प करता है यार। कोई इंजेक्शन वगैरह कुछ भी मैंने नहीं लगवाया यार, आप लोगों को यकीन नहीं आता मैंने ये खेर वगैरह की। तीसरी चीज जो है ना, बाहर की चीजों से बिल्कुल अवॉइड करना है, मीन्स बाहर की चीजें आप लोगों ने खानी नहीं है। ये आप लोगों को मजाक लग रहा होगा बट ये बिल्कुल सच है, और मैंने खुद यार आप लोग देख सकते हो रिजल्ट, आप लोग खुद देख सकते हो। पहले मैं ऐसा था यार, अब मेरी बॉडी जरा भी ग्लो नहीं करती थी, मेरी स्किन जरा भी ग्लो नहीं करती थी। ये सब सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुआ है, जो चीजें मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ये सिर्फ इन चीजों की वजह से हुआ है। मैंने कोई मीन्स टेबलेट्स नहीं ली, कोई इंजेक्शन नहीं लगाए, और कुछ भी मतलब ऐसा कुछ मैंने नहीं किया, बिल्कुल नेचुरल है यार। और फोर्थ जो चीज है वो ये है, आप लोगों ने जितना हो सके वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, जितना हो सके लाजमी है यार ये चीजें। आप लोग दिन में 1 प्लेट लाजमी, चाहे फ्रूट हो चाहे वेजिटेबल्स हो,
आप लोगों ने लाजमी खाने है। और वेजिटेबल में सबसे ज्यादा आप लोगों ने टमाटर खाने यार, ये जो है ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी बॉडी ग्लो कर सकती है। आप लोग जाके सर्च करो इस बारे में कि इसके बेनिफिट्स क्या है, आप लोग जाके सर्च कर लो कि इसके बेनिफिट्स क्या है। तो यार टोमेटो लाजमी खाओ यार सैलेड में, और फ्रूट्स में ना बनाना और उसके साथ साथ एप्पल, ये दो चीजें लाजमी खाया करो दिन में, लाजमी फ्रूट खाओ या फिर वेजिटेबल्स खाओ, अगर दोनों खा सकते हो तो वाह यार वेल एंड गुड। और इसका रिजल्ट जो है ना, इसका रिजल्ट कुछ टाइम बाद मिलता है यार, इतनी जल्दी नहीं मिलता कि आज आपने मतलब डाइट वाइट का ख्याल रखा, आपने डाइट वाइट की, फिर उसके बाद कल आप अचानक गोरे हो जाओ, चमत्कार हो जाए, जादू हो जाए, आप लोग एकदम गोरे हो जाओ कल, ऐसे नहीं होता यार, कुछ टाइम लगता है हर चीज के लिए, टाइम होता है, थोड़ा सब्र करना होता है, कुछ पेशेंस रखने होते हैं, तो यार हर चीज के लिए टाइम होता है। आप लोग टाइम दोगे तभी तो वो चीज काम करेगी ना। हम लोग क्या करते यार, एक या दो दिन केयर कर लेते, फिर उसके बाद क्या करते हम लोग, छोड़ देते, बोलते यार इसका रिजल्ट मिल नहीं रहा। आप लोग एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पांच महीने बाद देखो, चार पांच महीने बाद आप लोग को 100% रिजल्ट मिलेगा। आप लोग खुद बोलोगे कि यार मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। मीन्स आप अभी एक पिक लो और एक आज से दो महीने बाद लो, फिर देखना आप लोगों का कितना डिफरेंट होगा कलर में, फेस के कलर में, बॉडी के कलर में, बॉडी शाइन मारेगा। और बाकी मैं जो सोप यूज करता हूँ, फिफ्थ जो चीज है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं इस बारे में कि यार आप कौन सा सोप यूज करते हो, मैं बताता हूँ कि मैं कौन सा सोप यूज करता हूँ। यार मैं जो सोप यूज करता हूँ पता है कौन सा, मैं जो यूज करता हूँ लाइफ बॉय। मैं कोई प्रमोशन नहीं करा रहा, कुछ भी नहीं करा रहा, ये जो लाइफ बॉय है ना, इससे मीन्स ये बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ, मुझे तो इसका रिजल्ट नहीं लग रहा, ये इसके फायदे नहीं है। सच कहूं तो यार मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं इस चीज से मेरी बॉडी का कलर जो है ना चेंज हुआ है, इससे मुझे नहीं लग रहा। जो है ना यार ऐसे सब्जी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये चीजें खाओ यार, इससे होगी 100%। मुझे नहीं लगता कि यार इससे मेरी स्किन का कलर चेंज हुआ है मुझे नहीं लगता यार। सिक्स जो चीज है ना पता है क्या है, आप लोगों ने ना सन से बिल्कुल अवॉइड करना है, मीन्स आप लोगों ने धूप में नहीं जाना। बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर धूप में नहीं जाएंगे तो विटामिन डी कहाँ से मिलेगा। यार विटामिन डी क्यों नहीं मिलेगा, आप लोग जाके मल्टी विटामिन की टेबलेट्स भी खा सकते हो, मल्टी विटामिन की वो टेबलेट खाओ यार। और फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स में विटामिन डी, विटामिन सी, ये सब होता है, ए टू जेड होता है यार, आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो, ये सिर्फ लोगों की बातें। सन से खुद को अवॉइड करो जितना हो सके, अगर आप लोग बाहर जाते भी हो ना, ग्लव्स वगैरह पहना करो, ग्लव्स हाथों पे ग्लव्स पहना करो, और फेस पे मास्क, और उसके बाद ना आप लोग ना ये जो सर पे कैप है भी पहन लिया करो ताकि। और यार लोगों की बातों में मत आना कि यार विटामिन डी नहीं मिलेगा अगर हम लोग धूप में नहीं जाएंगे, ये होगा वो होगा, क्योंकि यार उनको बनना ही नहीं है, गोरा होना ही नहीं है यार, अब मैं क्या बोलूं। और यार एक होते ना वाइट कलर, मैं तो चाहता हूँ यार वाइट कलर लाजमी नहीं है, बस स्किन ग्लो करे। ग्लो जब करेगी ना, हर तरह का बंदा होगा, काला, सफेद, गोरा, कुछ भी हो ना, कुछ भी हो, खूबसूरत लगेगा यार। मैं तो चाहता हूँ ग्लो, केयर करो और ग्लोइंग लाउस के ऊपर वाले ने सबको खूबसूरत बना। मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप लोग बिल्कुल वाइट हो जाओ या वाइट अच्छे लगते हैं, वाइट अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। बस आप लोगों ने क्या करना है, केयर करनी है, और जितनी सफाई करोगे, मीन्स जितने अपने जिस्म को साफ रखोगे, बॉडी को साफ रखोगे, फेस को साफ रखोगे, तो उतने खूबसूरत दिखोगे। खुद की केयर करो, जितना हो सके आप लोग केयर करो, अच्छा लगेगा यार। आप लोग केयर वेयर करोगे तो खुद अच्छे दिखोगे यार। अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो सी यू गाइस, लव यू गाइस, बाय, लाफ़ फेस।